आज हम नारियल की बर्फी बनाना सिखा रहे हैं। उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे? उसमें बूरा, नारियल का बुरादा, फीका मावा, इलायची, बादाम, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मनपसंद। मैंने बूरा लिया है जो 1 किलो है, और नारियल का बुरादा 3 पाव है, और मावा भी 3 पाव है। नारियल का बुरादा और मावा बराबर मात्रा में लेना है, और ड्राई फ्रूट्स आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। यहाँ मैंने 100 100 ग्राम सारी चीज़ें ली है, और 20 21 इलायची ले ली है। आप जितना मीठा खाते हैं कम भी कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा चाहिए तो मीठा भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं डालें, वरना फिर क्या है, वो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हो जाएगा इसमें ना। हमने किशमिश, काजू, बादाम को छोटा छोटा पतला पतला स्लाइसेस में काट लिया है, और इलायची को कूट लिया है, या तो पीस भी सकते हैं। अब हम मावे को गरम करेंगे। हम मावे को अब सेकेंगे, और मावे को सेकने के लिए हमने इंडक्शन स्टार्ट कर दिया है, और इंडक्शन पे मैंने लो फ्लेम पे ही कढ़ाई को रखा है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना, थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए, फिर हमें ये मावा इसमें डाल देना है। उसको हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, सेक लेना है अच्छी तरह से। जो भी कढ़ाई लें थोड़ी सी मोटे तले की लें, क्योंकि मावा चिपक भी सकता है, जल भी सकता है, और इसलिए फ्लेम भी थोड़ी स्लो ही रखें। हमारा मावा सिक गया है, और सिकने के बाद अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको उतार के हम ठंडा कर देंगे। हम किसी चूड़े मुंह के बर्तन में डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें से बचा लेंगे, क्योंकि हम आगे वो काम आएगा हमें। हमने बचा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट किए हैं वो डाल देंगे। ये मैंने बादाम डाल दिए, किशमिश डाल दी, और ये काजू कटे हुए डाल दिए। अगर आपकी किशमिश छोटी हो तो उसे काटने की भी ज़रूरत नहीं, मेरी यहाँ पे किशमिश थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने काट दी। और इलायची डाल देंगे, इलायची का पाउडर थोड़ा सा बचा लेंगे, वो भी हमें गार्निश करने के काम आएगा। अब इसमें हम मावा मिला देंगे, जो हमने सेका था मावा वो मिला देंगे इसमें अच्छी तरह से। ठंडा मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वरना क्या नारियल का बुरादा थोड़ा ऑयल छोड़ देगा, और फिर स्मेल भी आ सकती है उसमें आगे जाकर। अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, या स्पैचुला से भी कर सकते हैं, हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिल्क रखा है, अगर मिल्क की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम डालेंगे, वरना नहीं। अगर मावा सही बांध देता है हमारी बर्फी को तो हमें मिल्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप चाहें तो जितना आवश्यकता हो उतना बना सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपने इंग्रेडिएंट्स भी कम कर लेना है। अब हमारा मावा इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बूरा डालें। बूरा मैंने 1 किलो दिखाया चल था, लेकिन उतना लिया नहीं है मैंने। आप जितना मावा, जितना 3 पाव, 3 पाव हमने सारी चीज़ ली थी, तो हम बूरा भी 3 पाव ही लेंगे, उससे कम भी ले सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, हमारे घर में ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया उसको। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है इसे, क्योंकि इसमें फ्लेम का काम ज़्यादा नहीं है, इसलिए इजी भी है। कोई चाशनी की भी दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं बनाना इसमें। इतना बुरा तो पूरा डल जाएगा जितना मैंने लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि दूध बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो आप थोड़ा क्वांटिटी में मावा ज़्यादा ले लें, तो उससे बाइंड अच्छी तरह से, क्योंकि बाइंड होना ज़रूरी है इसका, बर्फी का। ये देखिए, आप देखिए ये बाइंड हो रही है ना, जैसे ऐसे बाइंड हो जाना चाहिए मिक्स होने के बाद। बहुत डिलीशियस, बहुत सॉफ्ट बनती है ये, और ये व्रत में भी खाई जा सकती है आराम से। और आप चाहें तो कोई भी फेस्टिवल्स अपने आते हैं, दिवाली, होली, नवरात्रा, तो उसमें बना सकते हैं। और ये 15-20 दिन तक आराम से रह सकती है, फ्रिज में रख दीजिए, ख़राब नहीं होगी। और जब खानी है हमें तो हमें फ्रिज से बाहर निकाल के थोड़ी देर रख दीजिए, तो उसका टेस्ट नेचुरल आता है उसमें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल दें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, एक दो चम्मच जितना दूध हमें इसमें डालना है, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है बिल्कुल, और ये देख लीजिए अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। अब इसे हम थाली में या थाल में किसी में भी जमा देंगे। ये नारियल का बुरादा बूरा थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे जो जिस परात में हम जमाएंगे थाल में, उसमें इसको थोड़ा बिछाना पड़ेगा पहले, तो उससे क्या नारियल का टेस्ट भी अच्छा आएगा और फीका फीका भी नहीं लगेगा नारियल का बुरादा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जो हमें आगे काम आएगा। अब ये हम जो जो हमने नारियल का बुरादा और बूरा मिक्स किया था, उसको अच्छी तरह से थाल में हम स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे थाली में भी जमा सकते हैं, किसी में भी जमा सकते हैं, मेरी चीज़ के क्वांटिटी में ज़्यादा है इसलिए थोड़ा मुझे बड़ा थाल लेना पड़ रहा है। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। इसके बाद हम ये इसका जो हमने मटेरियल बनाया है वो डाल देंगे इसमें। अब हम स्पैचुला की सहायता से इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ से इक्वल हो जाए। आप चाहे तो मार्केट से ट्री भी ले सकते हैं, जैसे हलवाइयों के पास ट्रे होती है, उसमें भी अच्छी तरह से जमा सकते हैं। नहीं तो घर पे भी जो थाली या कुछ भी आपके पास हो उसमें जमा सकते हैं। इस तरह से इसको बिल्कुल फ्लैट बर्फी की तरह करना है, जैसे मार्केट में बर्फी मिलती है नारियल की, मार्केट से भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। इस तरह से ये अच्छी तरह से, आपको कितनी मोटाई रखनी है, कितनी पतली बर्फी बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेयर आपको पतली चाहिए तो पतली भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ी यहाँ पे मोटी पसंद है तो मैं थोड़ा सा इसको लेयर ज़्यादा रख रही हूँ। अब इसके ऊपर भी हम वापस से नारियल का बुरादा, जो हमने बूरा और बुरादा मिला के रखा था, वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसको अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे। हमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हमें नेचुरल नारियल का ही टेस्ट चाहिए, इसलिए इस तरह से पूरी अच्छी तरह से जम जाएगी। और फिर हम थोड़ा सा इसमें जो इलायची पाउडर हमने बचाया था उसको स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से, तो उसका फ्लेवर जो आएगा बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से पूरा अच्छी तरह से फिर से इस स्पैचुला से इसको कर देंगे, प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। तो इलायची भी इसमें अच्छी तरह से इसमें जम जाएगी, ये बाहर नहीं निकलेगी इलायची।
और नाइफ से इस पे एक बर्फी के आकार के मार्क बना लेंगे। जितने साइज में आपको बड़े चाहिए उतने साइज में आप उसको चाकू से ऐसे कर सकते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा डीपली करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से हमारी जब स्लाइस निकले बर्फी की स्लाइस अच्छी तरह से निकल सके। जितनी आपको पतली चाहिए, जितनी मोटी चाहिए, जितनी बड़े पीसेस चाहिए, छोटे चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरह से इसमें से कर सकते हैं। वो ज़्यादा देर तक हमें कहीं फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ता क्योंकि ये क्विक बनने वाली मिठाई है। आराम से आप इसे, अगर सर्दियां हैं तो 2 घंटे या 1 घंटा आराम से आप बाहर रख सकते हैं। अब हमारी नारियल की बर्फी बहुत अच्छी तरह से जम गई है। इसको मैंने कम से कम 2 घंटे फ्रिज में रखा था, बिल्कुल अच्छी तरह से जम गई है। क्योंकि इस समय गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमें फ्रिज में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मावा भी डला हुआ है इसलिए। अब इस तरह से आप पीस काट के आराम से एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसको फ्रिज में ही रखें। अगर खानी है ना तो उस समय आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले निकाल के रख लें, तो इसका फ्लेवर जो आएगा, टेस्ट आएगा, वो बिल्कुल नेचुरल आएगा। इस तरह से पीसेस काट लें। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से ड्राई फ्रूट दिखता हुआ कितनी सुंदर दिख रही है, और खाने में भी उतनी टेस्टी और हेल्दी भी है। व्रत में आराम से खा सकते हैं आप, क्योंकि जो सर्विस क्लास होते हैं वो रोज रोज तो नवरात्रा में बना नहीं सकते, तो इसलिए इसको बना के रख लो, आराम से खा लो, कोई प्रॉब्लम।